भाई, दिस गर्ल शेड माई लाइफ। इतनी देर में टिकट चेक करा गया और बोलता टिकट टिकट। मैं बोला अभी तो बस में चढ़ा हूँ भाई, एयरपोर्ट जाना, मुझे डिस्टर्ब मत कर। ये मोहतरमा खड़ी थी लाना। अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंडिंग हो चुकी है भाई। टाइगर अभी चिंता है, जब तक ये भाई यूएई में है। बोले शर्म आ गया। नमस्ते इंडिया, वेलकम टू सर्बिया। नमस्ते इंडिया, वेलकम टू सर्बिया। एक बार फिर से नया सवेरा, मैं पहुंच गया टर्की एम्बेसी के पास। आपको पता है मैं यहाँ पे क्या करूँगा। मुझे एक बंदा मिला, वो बोल रहा है मेरा टर्की का वीज़ा 4-5 दिन के अंदर ही आ गया। मैंने इनके पास मेल भी डाला और मेल डालने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मुझे फिर से जाना होगा क्योंकि मैंने 30 अक्टूबर को अप्लाई किया था। तकरीबन आज मुझे 10 दिन के करीब होने वाला है। अब इनसे जाके खबर लेते हैं भाई, शायद आज मेरी एम्बेसी के अंदर एंट्री हो जाए। इसी काम के लिए मैं बेलग्रेड आया था और ये काम पूरा नहीं हो रहा है तो अच्छा फील नहीं हो रहा है। इतना टाइम थोड़ी लगाते हैं यार वीज़ा के लिए। टर्की एम्बेसी से अभी अभी आया हूँ भाई, ये मेरे पीछे ही है देखो, थोड़ा खुश हूँ। एक बार तो ऐसा लग गया था गलती कर दी, क्योंकि इनका कॉल मेरे पास आया नहीं था और मैं बिना कॉल के चला गया। कंसलर था ये, एकदम से भड़क उठा, मेरा टाइम क्यों वेस्ट करा, कॉल नहीं आया तो क्यों आ गया, ये है वो है। तो मैंने बोला सर मैंने आपके बारे में सुना, आपका बहुत अच्छा स्वभाव है, ये है वो है। ऐसा बोलने के बाद बोलता ये आपको टर्की 20 तारीख को जाना है, आपने फ्लाइट टिकट 20 तारीख की दी है तो आप अभी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। मैंने बोला हर मैंने एक बार अबू धाबी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा यूएई का वीजा है और मुझे 60 डेज के अंदर एंट्री करनी होगी। ऐसे ऐसे कुछ कुछ बातें बताई इनको। बोलता है अपना इंश्योरेंस दिखा पहले, तो मैंने मेरे पास इंश्योरेंस था, मैंने इंश्योरेंस दिखाया, इंश्योरेंस की फोटो उतारी इसने और फोटो उतार के इसने मुझे बोला 3 बजे आना अपने पासपोर्ट के साथ, मुझे वीजा मिलेगा आज और मैं खुश हूँ। अभी 3 बजे फिर आऊँगा अपना वीजा लेके आपको दिखाऊंगा। जो खुशी मुझे हो रही है वो मुझे ही पता है भाई। A few moments later. 3 बजने वाले हैं भाई, फिर जा रहा हूँ एम्बेसी क्योंकि मुझे 3 बजे बुलाया गया था। और ये मेरे पीछे एम्बेसी है, काफी क्लोज लिया है मैंने हॉस्टल एम्बेसी की वजह से ही, सारा प्लान एम्बेसी के इर्द गिर्द है मेरा। कैमरा करता हूँ क्लोज, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। वीजा मिलने के बाद फिर ऑन करेंगे कैमरा, आपको ताज़ा अपडेट देनी है ना, गर्मा गर्म ठंडे मौसम में गर्मा गर्म अपडेट। ओके, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, लेटेस्ट खबर ये है भाई, टर्की का वीजा मुझे मिल गया है, ये ताज़ा खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। इंडियन के लिए भाई बड़ी सिरदर्दी है, हर एक कंट्री का वीजा अप्लाई करना पड़ता है। इंडियन का पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं, हर एक कंट्री में जाके आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा और वीजा के लिए आपको धक्के खाने पड़ेंगे, अलग अलग डॉक्यूमेंट, बहुत ज्यादा भड़क होती है भाई वीजा वाली तो। A few moments later. ये कुछ आखिरी लम्हे बेलग्रेड के और मुझे लगता है कि आज मेरी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट मिस होने वाली है। चलो, और ये प्रीत भाई और सैंडी भाई मुझे अपने गंतव्य तक छोड़ के आ रहे हैं। नहीं होने नहीं देंगे, फ्लाइट आपको बैठाएंगे भाई। 31 भाई 31, ओके रुको इसको भाई, बस वाले ने रोकी नहीं, भागा मैं, बस निकल गई। यहाँ से टैक्सी देखूँ? टैक्सी देख ले यार भाई जल्दी। टैक्सी के लिए कौन सी है? एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी विच टैक्सी है, बिकॉज आई हैव फ्लाइट ऑन 3 PM एंड आई एम गेटिंग लेट। कैन यू टेल मी विच टैक्सी? आई डोंट नो भाई, दिस गर्ल शेड माई लाइफ। एक्चुअली आई ड्रॉप्ड माई डॉक्यूमेंट्स, और ये पैसे भी मैंने ड्रॉप कर दिए इस भाई ने, आगे मुझे दिए हैं, थैंक यू सो मच। एक बात और बताऊं, मैं जैसे ही बस में एंट्री किया, मैंने लास्ट डोर से एंट्री किया, मैं फोन में मैप देखने लगा एंट्री करता ही। इतनी देर में टिकट चेक करा गया और बोलता टिकट टिकट। मैं बोला अभी तो बस में चढ़ा हूँ भाई, एयरपोर्ट जाना, मुझे डिस्टर्ब मत कर। वो बोलता है यू हैव टू शो टिकट। मैं बोला मेरे पास कोई टिकट नहीं है, और इतनी देर में छोटा सा स्टॉप था मेरा, अगला स्टॉप आ गया और मैं बोला चल मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और सॉरी फॉर दैट। मैं यहाँ पे बस ढूंढ रहा था और बड़ी दिक्कत हो रही थी बस ढूंढने में, ये मोहतरमा खड़ी थी लाना और बोलती है मैं एयरपोर्ट पे काम करती हूँ और मैं आपकी हेल्प करूँगी, तो यहीं पे वो बस आएगी, अच्छी तरह से गाइडेंस दे रही मुझे। मैं इनको बोलता हूँ ठीक हो आप, मिल गई। आपको पता ना जल्दबाजी में सब कुछ गलत होता है, मैंने फ़्लाइट मिस कर देनी थी। अब भी मैं श्योर नहीं हूँ फ्लाइट मिस होएगी या नहीं, मैं पहले से ऑलरेडी लेट हूँ। देखते हैं अभी एयरपोर्ट पे पूछते हैं, 72 नंबर बस आएगी और मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। बस नंबर 72 आ गई है मेरे पीछे, इसके ऊपर तो नंबर भी नहीं लिखा हुआ था, लाना ने मुझे बताया। मैं लेट हो रहा हूँ ना तो आज ये ड्राइवर चेंज करेंगे। इस ड्राइवर ड्राइवर आल्सो नोज यू, सो यू आर फेमस? नो, आई जस्ट गो टू वर्क लाइक एवरी डे, सो ही नोज। ओके, इसको ड्राइवर भी जानता है भाई क्योंकि ये दिल्ली जाती है ना काम पे, तो जान पहचान हो जाती है। कमबख्तों ने नंबर नहीं लिख रखा उसके ऊपर 72, कमाल की बात है। चलो बस के अंदर एंट्री करते हैं और टिकट लेते हैं। फॉर टिकट एंटर फ्रॉम
टिकट लेने के लिए आपको एंट्री आगे चेक करनी होगी हमेशा। आज मैं टिकट चेक करने में पकड़ लिया था, मैं बोला सॉरी बाय बाय मीट नेक्स्ट टाइम, मैं अगले स्टॉप पे एग्जिट मार गया क्योंकि अगले स्टॉप पे मुझे वास्तव में उतरना था और वो देखता रह गया। ये बस के अंदर मैं विराजमान हो रहा हूँ और विराजमान टिकट लेने के बाद होऊंगा। वैसे भी यार मैं सिर्फ बंदा हूँ, लेता हूँ टिकट हर जगह, आपको पता है ये 150 दिनार की टिकट है। मुझे लगता है मैं लेट हूँ, बाकी मुझे नहीं लग रहा मैं फ़्लाइट मिस करूँगा, शायद फ़्लाइट तो मिस नहीं होगी और बाकी का सिस्टम आगे की आगे देखते हैं। विजेयर पहली बार फ्लाई कर रहा हूँ, विजेयर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आपको विजेयर के बारे में भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा क्योंकि विजेयर वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट एयरलाइन है, ये फेमस है चीप टिकट देने के लिए। चलो आज विजेयर के अंदर सवारी करते हैं। अब मैं बोर्डिंग पास लूँगा और बोर्डिंग पास के बाद इमिग्रेशन होगी, तो मैं आपको सीधा इमिग्रेशन के बाद मिलता हूँ। करेंसी एक्सचेंज करवा रहा हूँ भाई, सर्बियन दिनार को बाहर कोई नहीं पूछता, तो आपके पास जो करेंसी है वो एक्सचेंज करवा लीजिए, जो भी आपको रेट मिले उसे चूज करके और ले लेना क्योंकि उसको बाहर कोई नहीं पूछने वाला। खाने के लिए मैंने एक बिस्किट का पैकेट भी खरीद लिया है, काफ़ी महंगा दे रहे हैं भाई, 270 का दिया है छोटा सा। ये बताना मैं भूल गया था, मुझे बोर्डिंग पास मिल चुका है। अब मैं जाऊँगा इमिग्रेशन काउंटर पर और वहाँ देखते हैं क्या सीन है, आपको इमिग्रेशन के बाद मिलता हूँ मैं। तब तक वेट करो, सब्र करो और मैं इधर से अपने यूरो कलेक्ट करता हूँ। खाली एक मैंने ये रख लिया मेमोरी के लिए, 10 दिनार का नोट। इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और इमिग्रेशन में उन्होंने मेरी शक्ल तक नहीं देखी, पासपोर्ट लिया और स्टैंप मार दिया। आते वक्त तो इतनी इंक्वायरी करते हैं और जाते वक्त कोई नहीं पूछता भाई, ऐसा फील हुआ जैसे कि मेरे पास किसी बड़ी कंट्री का पासपोर्ट है। आपको मिलेंगे अबू धाबी, हो सकता है मैं आपको फ़्लाइट भी दिखा दूँ कैसी होती है विजेयर की। हाँ दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि विजेयर का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैं विजेयर में कभी बैठा नहीं। ये पीछे खड़ी मेरी फ़्लाइट विजेयर, ये है विजेयर, अपनी सीट है 35। लड़कियाँ बहुत बोल रही हैं भाई, चुप ही नहीं हो रही। तो मैंने सोचा आपको कुछ बता दूँ मैं विजेयर के बारे में, इतनी कम्फर्टेबल है कितनी नहीं है। ये देखो ये मेरे पैर आके तकड़ चुके हैं और दूसरी बात आप सीट को आगे पीछे नहीं कर सकते, सीट एडजस्टेबल नहीं है। तीसरी बात आपको अगर चाय पानी कॉफ़ी कुछ भी लेना हो तो यहाँ पे पेड है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, आगे पैर लग गए सीट के कुछ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमें यहाँ भैंस नहीं बांधनी, कुछ घंटे का सफ़र है, काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ अगर 2-3 हज़ार रुपये और सस्ते कर दो तो खड़े होकर जाने को भी तैयार है। बाकी का हाल मैं आगे जाके आपको बताऊंगा अबू धाबी एयरपोर्ट पे लैंडिंग करने के बाद। अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंडिंग हो चुकी है भाई, इमिग्रेशन भी सब कुछ क्लियर हो चुका है। हाँ तो फिलहाल मैं अबू धाबी से जा रहा हूँ फुजीरा। फुजीरा एक छोटी ही सिटी है यूएई में। फुजीरा क्यों आया यानी यूएई क्यों आया, इसका एक स्पेशल रीजन है। वैसे तो मैं अगर सर्बिया से टर्की जाता तो फ्लाइट मुझे सस्ती पड़ती और नज़दीक भी सर्बिया से टर्की है और जाने का हिसाब भी वहीं से था, पर इस भाई का प्यार मुझे यहाँ खींच के ले आया, जो कि मुझे एंट्री करनी जरूरी थी क्योंकि मेरे पास 5 साल का वीज़ा था और 60 डेज के अंदर एंट्री जरूरी थी। तो जो मेरे पास फ्री टाइम था यानी कि टर्की में मेरी एंट्री 20 तारीख से है, आज है 10 तारीख, 10 से जो 20 के बीच में 10 डेज का जो गैप है इसको मैंने अपनी एंट्री के लिए यूज किया। टाइगर अभी जिंदा है, जब तक ये भाई यूएई में है तब तक यूएई मेरा दूसरा घर है। अभी जा रहा हूँ मैं फुजीरा। बोले शर्मा गया ये भाई, थोड़ा कैमरे को देख के शर्मा जाता है भाई, बोलता नहीं है कैमरे के आगे, पीछे बोलेगा जो बोलना होगा। आलू की सब्जी और ये पालक पनीर और ये अपनी फेवरेट रोटी। आते ही भाई ने ऐसा स्वागत किया है, मैं बोल रहा था जब तक यहाँ भाई है जब तक टाइगर जिंदा है मुझे कोई चिंता नहीं, अगर टाइगर यहाँ नहीं रहा तो फिर मेरी चिंता की कोई कदर भी नहीं। और भाई स्पेशल बैक टू बैक ड्यूटी पे जा रहा है, लगातार 2 दिन से सोया नहीं है और आज फिर मुझे लेने के लिए अबू धाबी गया। अबू धाबी यहाँ से करीब 250 किलोमीटर है, टोटल 500 किलोमीटर की ड्राइव स्पेशल मेरे लिए की है भाई ने। 2 दिन की नींद है, अबू धाबी 250 किलोमीटर आना, 250 जाना। वैसे सर्बिया से टर्की नज़दीक था पर भाई मेरे दिल के काफ़ी नज़दीक था तो मुझे ये जगह नज़दीक लगी। अब करूँगा मैं खिंचाई, बाकी करते हैं बाद में बात। अब करते हैं खाने की सही।